हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। कंपटीशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। कंपटीशन कम्युनिटी इस बार जो आपके लिए सीजी व्यापम और सीजी व्यापम के अपकमिंग जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए हम मैथ्स की क्लासेस आपके लिए चला रहे हैं, जिसमें मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर जो आए हुए प्रश्न है उसे हम हल कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए अभी आने वाले सीजी टेट की परीक्षा, साथ ही साथ जो विद्यार्थी प्रीबीएड का पेपर देने वाले हैं और हॉस्टल वार्डन और इसके अलावा जितने भी सीजी व्यापम पेपर देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो चीजें हम सीखेंगे मैथ्स की उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी जानेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम जानेंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो जैसे कि आप आज का टॉपिक देख रहे हैं, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, तो आज की क्लास में हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस पर भी जाएंगे। देन हमारा अगला टॉपिक रहेगा कि भाई हम जानेंगे कि यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं और कैसे आप आसानी से ट्रिक्स के माध्यम से या समझते हुए उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो आज के टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस को समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या क्या चीजें जाननी होती हैं, कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है और क्या इसके लिए फॉर्मूले होते हैं। ठीक, चलिए अब कुछ इस बेसिक फॉर्मूले पर कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं और उसे कैसे हल करना है उसे हम जानते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, यदि आपको क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस दिया जाए, कॉस्ट प्राइस मान लो कि बात आपका क्या है यहां पर 500 रुपए कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, उस पर होने वाला लाभ, ठीक है, 500 रुपए किसी सामान का क्या है यहां पर कॉस्ट प्राइस है और उस सामान को मान लीजिए आपने क्या किया, बेचा, सेल किया, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस भी अगर आपको दिया है कितना, 600 रुपए दिया गया है, 500 रुपए का खरीदी का सामान, 600 रुपए में क्या किया गया, हमने बेच दिया, तो आपको पूछेगा यहां पर बताइए इसमें लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत क्या है, क्वेश्चन ध्यान समझ में आया। ठीक, किसी सामान को आपने 500 रुपए में खरीदा और 600 रुपए में बेच दिया तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना है। तो अभी मैंने आपको बताया लाभ प्रतिशत बराबर या प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस इनटू 100। यहां तक चीजें क्लियर है, तो यहां पर आपको विक्रय मूल्य रखना है 600 रुपए, 600 रुपए माइनस क्या करेंगे हम लोग 500 रुपए जो आपका क्रय मूल्य था, क्योंकि मैंने आपको बताया लाभ प्रतिशत आप हमेशा काउंट करेंगे या फाइंड करेंगे किस पर, क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है आपके पास 500 रुपए इंटू 100। क्लियर है, ठीक, 600 माइनस 500 कितना रुपए लाभ हुआ हमें, 100 रुपए का लाभ हुआ, और ये 100 रुपए का लाभ किस पर हुआ, 500 रुपए पर इंटू क्या कर देंगे 100, ये 0 0 कैंसल और आपको मिल गया कितना 20%। यहां पर हमें जो है 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। क्लियर, तो सिंपल से एक प्रश्न हमने देखा जिसमें 500 रुपए के सामान को 600 रुपए में बेचा गया और हमने क्या निकाला यहां पर, लाभ प्रतिशत निकाला। ठीक, चलिए अगला एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं कुछ इसी प्रकार का। ठीक, चलिए तो यहां पर यदि अगर आपको क्रय मूल्य दिया जाए, क्रय मूल्य मान लीजिए 1200 रुपए है या कॉस्ट प्राइस खरीदी मूल्य आपका किसी सामान का 1200 रुपए है, इसी सामान को मान लीजिए विक्रय किया गया या सेलिंग किया गया और सेलिंग किया गया इसे 900 रुपए में, सेलिंग किया गया 900 रुपए में, तो आप बताइए यहां पर क्रय किया आपने 1200 में और बेचा कितने में, 900 में, तो आपको क्या हुआ इसमें, घाटा हुआ। तो यहां पर आपको निकालना है और बताना है कि हानि प्रतिशत या लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। ठीक, 1200 रुपए खरीदी पड़ा और 900 रुपए में सामान को बेचा गया,
ऐसे केस में लॉस परसेंट क्या होगा उसे देखिए, हानि प्रतिशत। तो जैसे मैंने आपको बताया था हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या बोलना चाहिए आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य इंटू क्या कर देंगे 100। जो जो डेटा दिया हुआ है उसको वैसा का वैसा ही रख लेते हैं। अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है, इसे आप और भी जल्दी और भी फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, परंतु पहले बेस को समझ लेते हैं। बेस हमारा स्ट्रांग होगा तो हम आसानी से अन्य जो प्रश्न है उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है बताइए, 1200 रुपए। विक्रय मूल्य कितने में बेचा आपने सामान को, 900 रुपए में बेचा, क्योंकि मैंने बताया लाभ या हानि प्रतिशत आप हमेशा कैलकुलेट करेंगे किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना है 1200 इंटू क्या कर देंगे 100। 1200 माइनस 900 कितना मिल जाएगा आपको 300, 300 बटा हुआ ये 1200 इंटू 100 कर दिए, क्लियर। ये 0 0 कैंसिल यहां पर, और यहां पर आपको मिलेगा 300/12, और इसे और सिंप्लीफाई हम लिखें परसेंटेज में तो ये हो जाएगा आपका 25%, 25%। और ये 25% क्या है, हानि प्रतिशत, 25% यहां पर क्या हुआ, लॉस हुआ, क्लियर। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हमने देखे जिसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमारे पास था, और क्रय मूल्य के अलावा हमने यहां पर लाभ या हानि प्रतिशत निकालना सीख लिया, ठीक। अब इस प्रश्न को आप जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। आपको पूछा गया लाभ प्रतिशत पूछा गया, आप लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत मैंने आपको बताया हमेशा कैलकुलेट करना है किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो आपका ध्यान केवल कॉस्ट प्राइस और जितना लाभ या हानि हो रहा है उस पर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसे जल्दी सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर, तो लाभ प्रतिशत बराबर आपको केवल क्या लिखना है, जितना लाभ हुआ है। तो देखिए 500 रुपए का सामान कितने में बिका, 600 में बिका, यानी आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, 100 रुपए का लाभ हुआ। ये 100 रुपए का लाभ किस पर हुआ, तो मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस पर होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 500, तो 100/500 कर लेंगे इंटू क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, क्लियर। यहां से कैंसल आउट हो गया, फिर आपको क्या मिल गया 20%। मतलब आपको फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं, बस इस लाइन को याद रखना, इस मंत्र को याद रखना जो मैं बता रहा हूं, लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, बस, ठीक। इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर आपके पास कितने का सामान था, 1200 का सामान था, 900 में आपने बेचा, 1200 का सामान आप खरीद कर लेकर आए, 900 में क्या कर दिए बेच दिए, मतलब कितने रुपए का घाटा हुआ आपको, 300 रुपए का घाटा हो गया। अब ये 300 रुपए के घाटे की अगर बात करें, लॉस परसेंट की अगर हम बात करें, तो 300 रुपए का घाटा जो हुआ है वो किस पर निकालते हैं हम लोग, क्रय मूल्य पर। हमारे पास क्रय मूल्य कितना है 1200, तो 300 बटा क्या कर देंगे 1200 इंटू क्या कर दिए 100, क्लियर है। ये कैंसल हो गया, फिर से आपको क्या मिल गया 25%। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कहां से चीजों को, अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है तो सिंपल बस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, लाभ या हानि परसेंट हमेशा हम कैलकुलेट करेंगे इस पर, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर, क्लियर है। इतनी चीजें, ये जो भी आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को, छात्र वीडियो को देख रहे हैं उनको बता देना चाहूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, सीजी टेट का एग्जाम दे रहे हो, या आप आगे चलकर हॉस्टल वार्डन का भी एग्जाम दे, या प्री बीएड का एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बेसिक क्वेश्चन भी इस प्रकार के पूछे जाते हैं, और यहां पर भी विद्यार्थी या जो छात्र है परीक्षा में गलत करके आ जाता है, क्योंकि वह जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में ही कंफ्यूज रहता है, ठीक। इतनी चीजों को बिल्कुल ध्यान से आप समझते चलिए। चल अब अगले टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा, ठीक, अगला टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस या खरीदी मूल्य, जिसमें आप सामान खरीद के लाए जिस मूल्य पर वह आपको दिया जाएगा, मान लीजिए आप सामान खरीद कर लाए 1200 रुपए में, ठीक है, आप एक दुकानदार हैं, सामान बेचना चाहते हैं, तो सामान बेचने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ लाभ कमाना चाहेंगे। चलिए मैंने बोला कि आपका मन है कि आप 20% लाभ कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लाभ कमा लीजिए,
तो 20% अगर मैं लाभ कमाना चाहता हूं, 20% अगर मैं लाभ कमाना चाहता हूं, तो आपको बताना होगा कि 20% लाभ कमाने के बाद आप कितने में सामान बेच सकते हैं, विक्रय मूल्य कितने में सामान बेच सकते हैं, ये अगला आपका प्रश्न। 1200 रुपए में आपने सामान खरीदा और 20% का क्या कमाया, इसमें आपको लाभ कमाना है, तो कितने में सामान सेल होगा, बिक्री होगा, इसके बारे में हमको जानना है। ठीक, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य जो है, ठीक, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य इंटू, अगर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, लाभ का जितना परसेंट होगा बटे क्या लिख देंगे हम, 100 लिख देंगे। ये फॉर्मूला बताया था मैंने, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस एक्स बटा 100 बराबर सेलिंग प्राइस और विक्रय मूल्य। ठीक, जो जो डेटा आपको पता है उसको वैसे का वैसा रख दीजिए। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना रुपए है, 1200 रुपए है, 1200 रुपए। इसके अलावा यहां पर लाभ कितने का हो रहा है भैया, आपको 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस आप क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, बटा क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। ठीक है, यहां तक चीजें। चलिए, इसके बाद 1200 इंटू, जब आप 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120 बटा 100 करते हैं तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाता है। कितने का सामान हो जाएगा, यहां से 20 कैंसिल और 1200 144, 1440 रुपए ये आपको प्राप्त होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी आपका सामान जो है आपने, सामान जो है आपने कितने में खरीदा, 1200 रुपए में सामान खरीदा, और आप जब दुकान में जब सामान को बेचेंगे तो 1440 रुपए में बेचेंगे, तब जाकर आपको लाभ होगा। ठीक है, लाभ होगा कितना, 20% का। और यहां से यह भी आप जान सकते हैं कि लाभ कितने का हो रहा है, 1200 का सामान 1440 में आप बेच रहे हैं, तो आप यहां से बताइए, अगर लाभ की अगर हम बात कर दें तो लाभ कितने का हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 1440 माइनस 1200 करने पर आपको मिल जाएगा यहां पर आपको होने वाला मुनाफा, यानी आप कमा रहे हैं कितना, 240 रुपए आप कमा लिए, 20% जब आपने प्रॉफिट में सामान बेचा। ठीक, अब अगला पॉइंट ध्यान समझिए, अगर आप इसे शॉर्ट वे में या बहुत आसान तरीके से बनाना चाहते हैं तब क्या करेंगे। देखिए, आपको चाहिए था सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य चाहिए था। ठीक है, विक्रय मूल्य जो है आपका क्रय मूल्य पर होने वाला लाभ या हानि परसेंट होगा, तो क्रय मूल्य जो है आपका 1200 रुपए, उस पर लाभ कितना हुआ, 20% का। तो देखो, लाभ यानी कि बढ़ना और हानि मतलब घटना, लाभ मतलब बढ़ना, हानि मतलब घटना, क्लियर है। इसको परसेंटेज में हमने पढ़ा था कि परसेंटेज में जो वृद्धि होती थी तो 100 में बढ़ाते थे, वैसे ही जब कमी होती थी 100 में कम करते थे उसी परसेंट को, वैसे लाभ या हानि में भी आपको करना है, लाभ यानी वृद्धि और हानि मतलब कमी, लाभ मतलब 100 में वृद्धि, कमी मतलब 100 में कमी, बस इतने पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर बताइए, जब आप यहां पर आपको लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो 1200 इंटू क्या करेंगे आप, 100 में 20 जोड़ देंगे, और 100 में जब आप 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 120%, क्लियर। यही अगर हानि हो रहा होता तो 100 में घटा देते 20 और कितना हो जाता, 80 हो जाता, यहां पे 100 में जोड़ दिए, बस यहां पर क्वेश्चन फिर से आपका सॉल्व हो गया। ठीक, इतने लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहां पर आपको फॉर्मूले का यूज नहीं करना पड़ेगा, बस आपको याद रखना है लाभ मतलब परसेंटेज को बढ़ा देंगे 100 में, हानि मतलब परसेंटेज को कमी कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक, देखिए, अब ले लेते हैं हम 1500 का कोई सामान है, 1500 रुपए का हमारा क्या है, कोई सामान है। ठीक है, मान लेते हैं सामान का क्रय मूल्य 1500 रुपए है। ठीक, अब इसमें इस बार मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गई। ठीक है, लॉस हो गया लगभग मुझे 20% का। तो सामान कितने में बिकेगा,
सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा इसे जानना है। सामान का विक्रय मूल्य कितना होगा, कितने में सामान बिकेगा इसके बारे में आपको जानना है। ठीक, तो आपने सामान कितने में खरीदा, 1500 रुपए में, 20% की हानि हो गई। तो इस बार मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। अभी आपको मैंने बताया कि कभी आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो आप क्या करेंगे, तो सेलिंग प्राइस बराबर विक्रय मूल्य बराबर जो विक्रय मूल्य निकालेंगे वह क्रय मूल्य पर होने वाला लाभ या हानि होगा। और यहां पर हो रहा है क्या, हानि। हानि यानी कि परसेंटेज में कमी। कमी कितने में करते हैं हम लोग, 100 में कम करेंगे। 100 में कम करेंगे कितना, 20 कम करेंगे, तो 20 कम करने के बाद कितना हो जाएगा, 80%। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, 100 में 20 कम कितना, 80%। तो यहां पर हमारे पास कितना है, कॉस्ट प्राइस इनटू हम क्या लेंगे इसमें, लॉस परसेंट लेंगे। और हमें पता है कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, 1500, और लॉस परसेंट को इस बार 20 कम करके हम डायरेक्ट लिख देंगे 80%, और 80/100 लिख देंगे। इस बार आपको अलग से 100-20 करके लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए 80%। ठीक, यहां से 20 कैंसिल, आपके पास मिल गया 15 × 120 और ये 1200 रुपए। 1200 रुपए में सामान बेचा गया, जिस कारण से आपको क्या हुआ, यहां पर घाटा हुआ। ठीक, 1500 का सामान कितने में बिका, 1200 में, हानि कितने रुपए गई, 300 रुपए की आपको हानि हो गई। इतना पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कब और कैसे हमें कहां पर कौन सी चीजों को करना है। ठीक, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन, ठीक, जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, आपको पूछा जाएगा विक्रय मूल्य, और करना क्या था आपको, कॉस्ट प्राइस पर आपको लॉस परसेंट लेना है, और या तो अगर प्रॉफिट हो तो कॉस्ट प्राइस पर ही आपको प्रॉफिट परसेंट लेना पड़ेगा। यहां तक इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला और एक लास्ट टाइप देख लेते हैं, बेसिक चीजों से जुड़ा हुआ एक अगला कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, अब आपको यहां पर सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य दिया रहेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य दे दिया रहेगा, जैसे कि 1800 रुपए, 1800 रुपए यहां पर क्या है, विक्रय मूल्य, 1800 रुपए क्या है यहां पर, विक्रय मूल्य। ठीक, इसके अलावा यहां पर हमें लाभ हो रहा है या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट ले लेते हम यहां पर 50%, 50% का हमें लाभ हो रहा है। तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था, यह आपका प्रश्न है। ठीक, सामान को बेचा गया 1800 में, 50% लाभ पर बेचा गया, आपको बताना है क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। क्लियर इतने पॉइंट। ठीक, अब ध्यान से देखिए, आपको जब क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य, तो मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य पर क्या होता है, लाभ या हानि परसेंट होता है। ठीक, और लाभ हो रहा है कितना, 50% का, 50% मतलब वृद्धि, किसमें वृद्धि, 100 में वृद्धि, तो 100 में अगर 50 हम बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 150%। क्लियर है क्या। ठीक, तो उस फॉर्मूले को फिर हम लिख लेते हैं। ठीक, देखिए यहां पर, तो यहां पर हमारा हुआ कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर हम क्या लेंगे, प्रॉफिट परसेंट लेंगे, और प्रॉफिट परसेंट जब हम ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, ये सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य बन जाता है। क्लियर है यहां तक। आपको इस बार क्रय मूल्य पूछा गया है, तो क्रय मूल्य आपके लिए क्या है, अननोन है, ये आपको नहीं पता है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50% का, तो हम इसे 150 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। क्लियर है, इतनी चीजों को आपको अब फटाक से करना है। 50% लाभ मतलब 150%, 150/100, क्योंकि आपको इस बार क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, 1800 रुपए का सेलिंग प्राइस दे दिया है, सेलिंग प्राइस। तो आप इस बार कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस बराबर होगा 1800 × 100 कितना भाई, 150। क्लियर, यहां पर कैंसिल कर लेते हैं, जीरो को कैंसिल कर लिए, ये 15 इसको काट लेगा 120 बार में। क्लियर, यहां तक चीजें। तो आपको मिल गया कॉस्ट प्राइस कितना, 1200 रुपए। ये मिल गया आपको क्या, यहां पर क्रय मूल्य। इसका मतलब यह है कि सामान को खरीदा गया था 1200 में और बेचा गया था कितने रुपए में, यहां पर 1800 रुपए में बेचा गया था, 1800 रुपए में सामान को बेचा गया।
ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सेलिंग प्राइस 1800 दिया गया था, 50% प्रॉफिट, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस आपको पूछा गया। तो कॉस्ट प्राइस पर आप प्रॉफिट या लॉस लेते हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा था भाई 50% का, बट मैंने आपको बताया 50% मतलब इंक्रीज, कितना इंक्रीज 100 में इंक्रीज, 100 में कितना बढ़ा देंगे 50, तो ये कितना बन जाएगा 100 प्लस 50 कितना हो गया 150%। इस लाइन को आप डायरेक्ट लिखने की आदत डाल लेना, ये वाला जो आपका मेथड है यही आपको शॉर्टकट यानी कि क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में आपके लिए इजी होगा, क्लियर। वरना आप 100 प्लस लिखेंगे 50, फिर आराम से धीरे धीरे चीजों को करेंगे, फॉर्मूले में बिठाएंगे, इससे अच्छा यह है कि डायरेक्ट आपको प्रॉफिट यानी 150 पता हो, ठीक है, और लॉस यानी इसी में लॉस होता तो 50% होता, ठीक, इतना पॉइंट क्लियर है। तो हमने अभी क्या देखा कि सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ था, लॉस आपको हुआ, प्रॉफिट आपको हुआ और आपने सीपी निकाल लिया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला एक लास्ट टाइप का जो बेसिक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसमें भी आपको यहां पर कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा, बट हम लेंगे इस बार डेटा लॉस के लिए, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपका सेलिंग प्राइस या आपने सामान को बेचा, विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ यहां पर 1500 रुपए, 1500 रुपए, क्लियर है, 1500 रुपए क्या दिया है आपको यहां पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है। आपको यहां पर हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, और लॉस हुआ आपको 70% का, ठीक है, लॉस कितने का हो गया आपको 70% का लॉस हो गया। तो आपको बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यह आपको बताना है, क्लियर है क्या। 1500 रुपए में सामान को बेचना है, बेचा गया है, 70% हानि हो रही है, क्रय मूल्य आपको निकालना है, ठीक। तो मैंने आपको बताया अभी कि क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य पर ही हमें क्या होगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा, और इस बार क्या हो रहा है हमें हानि हो रही है, यहां पर केवल और केवल आप क्या लिखेंगे हानि प्रतिशत लिखेंगे, क्रय मूल्य इनटू हानि प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे आप सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। अब जो जो डेटा आपको दिया हुआ है उस डेटा को यहां पर रख दीजिए, ठीक। तो क्रय मूल्य आपको दिया है क्या, नहीं दिया है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, क्रय मूल्य आपको दिया है क्या, नहीं दिया है, उसी को आपको ज्ञात करना है, सीपी को ज्ञात करना है। लॉस परसेंट, लॉस कितना हो रहा है 70% मतलब कमी, कितने में कमी 100 में कमी, 100 में 70 कमी आने मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 30% हो जाएगा, 30%। तो सीपी इंटू 30/100 बराबर क्या हो गया विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 1500 रुपए है, 1500 रुपए। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1500 × 100/30, क्लियर है। इस जीरो को कैंसिल कर लो, यहां पर इसको 3 से इसको 5 को कैंसिल कर लो, आपको कितना मिल जाएगा 5000 रुपीज, 5000 रुपए, 5000 रुपए, डन। ये 5000 रुपए आपको क्या मिला, क्रय मूल्य, यानी सामान खरीदा गया था 5000 रुपए में, बेचा गया 1500 रुपए में, और इसे भारी भरकम यहां पर इसे क्या हुआ, नुकसान हुआ है, हानि हुई है, इसीलिए यहां पर हानि कितना है आपका 70% हानि हुई, क्लियर है। इतनी चीजें यहां तक जितने भी पॉइंट या जितनी भी बिंदुएं मैंने आपको बताई, आशा करता हूं आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की एक क्लास थी जिसमें आपने सीखा प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस किसे कहा जाता है उसके फॉर्मूले को भी देखा हमने, प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है उसको भी हमने जाना, क्लियर। तो यहां पर बेसिक फॉर्मूले को कैसे आप समझेंगे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, उस पर आधारित प्रश्न भी आपको सॉल्व करवाए गए। अगले क्लास में हम जानेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रॉफिट या लॉस या लाभ या हानि से कैसे आए हैं, ठीक। तो बेसिक क्लास को ध्यान समझिए और अगले क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। याद रखिएगा ये जो क्लासेस हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजी व्यापम के लिए, सीजी व्यापम के अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो आप अभी सीजी टेट का एग्जाम देने वाले हो या शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने वाले हो, इसके अलावा प्री बीएड के विद्यार्थियों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन के लिए भी हम जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करवाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और याद रखिएगा प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज की क्लास के लिए धन्यवाद।